हेलो एवरीवन, दिन की शुरुआत अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट से हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गुजराती हांडवो बाइट। ये इतनी हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप चावल, आधा कप चना दाल, 1/4 कप तुअर दाल और 1/4 कप उड़द दाल लिए। थोड़ी सी मेथी दाना ऐड करेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब ये अच्छे से वॉश हो जाएगा तो इसको सोक करके रखना है हमें 5 से 6 घंटे के लिए। मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके उसको पीस लेंगे। हमें थोड़ा दरदरा रखना है, जैसा सूजी का टेक्सचर होता है उसी तरीके का। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। फिर हमें इसे 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है। जब ये फर्मेंट हो जाएगा फिर वेजिटेबल आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो यहाँ मैंने लौकी, गाजर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और नमक और हल्दी ऐड किए। आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। फिर यहाँ मैंने अप्पे की कढ़ाई ली है, क्योंकि आज हम गुजराती हांडवो बाइट बना रहे हैं इसलिए आज मैं अप्पे की स्टैंड का यूज़ करूँगी। उसमें घी, तेल और मैंने थोड़ी सी मस्टर्ड के दाने लिए हैं। छोटी वाली राई जो बारीक वाली आती है वो ऐड कर देंगे और ये जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर लेड को कवर कर देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे। फिर जब वो एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा उसको पलट देंगे और दोनों तरफ से हमें क्रिस्पी होने तक सेकना है। ये ऐसी रेसिपी है जिसकी आप प्रिपरेशन पहले कर सकते हैं और जब भी बच्चों को टिफिन में देनी है आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फटाफट से रेडी कर सकती हैं। तो हमारी सुपर हेल्दी हांडवो बाइट बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों को केचप के साथ या फिर चटनी के साथ दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।